हम लोग अभी सरिता विहार में हैं और सरिता विहार में ये एक नया हॉस्पिटल बन रहा है, 330 बेड का हॉस्पिटल है। इस तरह के 7 हॉस्पिटल्स पूरी दिल्ली के अंदर बनाने हम लोगों ने कोरोना के टाइम में शुरू किए थे। वो इस पर्पज़ से थे कि अगर भविष्य में कोरोना की कभी महामारी दोबारा आती है तो बहुत बड़े स्तर के ऊपर आईसीयू और बेड्स तैयार करने के लिए। अभी फ़िलहाल कोरोना की बीमारी तो नहीं है, उससे तो ऐसा लगता है शायद कि निजात मिल गई है, लेकिन ये बेड्स जो हैं, 7 हॉस्पिटल्स जो हैं, ये पूरी दिल्ली के काम आएंगे। जिस साइट पे हम लोग खड़े हैं, ये साइट हॉस्पिटल के लिए 20-25 साल पहले ईयरमार्क की गई थी और मुझे बताया गया कि हर चुनाव के पहले हर पार्टी यहाँ पे आके नारियल फोड़ा करती थी कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे, लेकिन शायद बनाने की नीयत किसी की नहीं थी। अब आम आदमी पार्टी की सरकार हमारी जो है, ये हम एजुकेशन और हेल्थ पे सबसे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो अभी ये हॉस्पिटल अब उम्मीद है कि अक्टूबर नवंबर में बनके तैयार हो जाएगा। 330 बेड का ये हॉस्पिटल है और मैं समझता हूँ कि इससे इस पूरे क्षेत्र के अंदर लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी और इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से पहली बार इस्तेमाल की गई हैं, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी के साथ ये हॉस्पिटल बनके तैयार हो गया है। बहुत कम समय में हॉस्पिटल बनके तैयार हो गया है और टोटल 6 हॉस्पिटल्स हमारे साथ में से 6 हॉस्पिटल्स एंड दिसंबर या जनवरी तक बनके तैयार हो जाएंगे, तो उससे मैं समझता हूँ कि काफ़ी सुविधा पूरे दिल्ली के लोगों को होगी, काफ़ी बड़े स्तर के ऊपर मेडिकल फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ होंगी। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप। सर, आज मनीष जी के बैंक लॉकर को गाज़ियाबाद में सीबीआई की वापस सर्च करने के लिए लगभग 1.5 घंटे तक सर्च चला, एक बार फिर से सीबीआई एक्शन मोड में दिख रही है। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात है कि जब हम पब्लिक लाइफ में आते हैं तो हमें किसी भी जांच के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सीबीआई ने पूरी जांच कर ली है, मनीष जी के घर पे भी 14 घंटे जांच हुई, मनीष के घर में भी कुछ नहीं निकला। मनीष जी से 6-7 घंटे तक गहन पूछताछ की सीबीआई ने, जितने प्रश्न पूछे सब प्रश्नों के संतुष्टिपूर्वक जवाब दिए। आज लॉकर चेक किया, लॉकर में भी कुछ नहीं निकला, तो एक तरह से इनफॉर्मली तो एक तरह से सीबीआई की क्लीन चिट मिल गई है। बाकी सीबीआई के ऊपर प्रेशर है, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हमें लगता है कि 10 दिन के अंदर गिरफ्तार तो करेंगे ये लोग, लेकिन वो करते रहे, लेकिन एक तरह से कुछ नहीं मिला। सीबीआई ने इनफॉर्मली कह दिया भाई हम संतुष्ट हैं और हमें कुछ भी नहीं मिला मनीष सिसोदिया जी को। तो हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि ये सारी जितनी भी कार्रवाई चल रही है राजनीति से प्रेरित है और इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। मैं ये देख रहा था, मीडिया में ही देख रहा था कि आरोप क्या हैं। आरोप ये हैं कि भाई इन्होंने सरकारी स्कूल इतने ज़्यादा क्यों बनाए। तो भाई ज़्यादा बनाए ये तो अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है, गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे। फिर कह रहे हैं इन्होंने स्कूलों के अंदर इतने ज़्यादा क्लासरूम क्यों बनाए। तो ज़्यादा क्लासरूम बनाए तो कोई खाली तो है नहीं, जाके देख लो अभी भी सारे बच्चे ही पढ़ रहे हैं, उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि उसमें कोई मेरी फैमिली रह रही है किसी क्लासरूम में। फिर कह रहे हैं कि वहाँ पे टॉयलेट क्यों बनाए इतने ज़्यादा, तो टॉयलेट बनाए भाई हमारी बच्चियाँ बेटियाँ वहाँ पे तकलीफ़ ना हो, किसी को बच्चों को तकलीफ़ ना हो, टॉयलेट्स बनाए। फिर ये कह रहे हैं भाई क्लासरूम्स के अंदर इतने महंगे महंगे इक्विपमेंट लेने की क्या जरूरत थी, डिजिटल बोर्ड लगाने की क्या जरूरत थी, इतने शानदार डेस्क बनाने की क्या जरूरत थी, गरीबों के ही तो बच्चे आते हैं वो सस्ते में पढ़ लेते, तो हम तो अपने गरीबों के अमीरों के सबके बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। हमें तो लगता नहीं हमने कोई गलत काम किया है, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, सब बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अमीरों के बच्चों को भी वैसी शिक्षा मिले, गरीबों के बच्चों को भी वैसी शिक्षा मिले। अब आप एमसीडी के स्कूल देखो, बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा एमसीडी के स्कूलों का। अब हमारी एमसीडी में भी सरकार आएगी, एमसीडी के स्कूलों को भी अच्छा करेंगे, सारे स्कूलों को अच्छा करेंगे। देखो जब भी इनके पास ये कुछ कहते हैं और जब जनता इनकी सुनती नहीं है तो फिर ये किसी को सामने लाते हैं। जैसे पंजाब के चुनाव के पहले इन्होंने कहा केजरीवाल आतंकवादी है, तो जनता हंसने लग गई इनकी बातों पे, तो फिर इन्होंने कुमार विश्वास को आगे किया, बोले कुमार विश्वास से कहलवाया।
अब इन्होंने शराब नीति में घोटाला हो गया। अब सीबीआई ने कह दिया कोई घोटाला नहीं हुआ, जनता इनकी बात नहीं मान रही। अभी अन्ना हजारे जी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं, तो ये तो ऐसे करते ही रहते हैं, राजनीति है। मेरा अपना ये मानना है कि अब सीबीआई की जांच हो गई है, कुछ भी नहीं निकला, अब इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जो दिल्ली के अंदर 20-20 करोड़ रुपए दे के ये एमएलए खरीदना चाहते थे, उसकी जांच होनी चाहिए। जब हम जांच से नहीं भागे, हमें जांच से डर नहीं लगता क्योंकि हमने कोई गलत काम किया ही नहीं, तो ये जांच से क्यों भाग रहे हैं, उसकी भी तो जांच होनी चाहिए ना भाई। 20-20 करोड़ रुपए में 40 एमएलए खरीदना चाह रहे थे, 800 करोड़ रुपए इन्होंने रख रखे थे, उसकी जांच से क्यों भाग रहे हैं, उसकी जांच क्यों नहीं करा रहे।